नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। मणिपुर में तीन मौजूदा विधायकों और दो पूर्व विधायकों को भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल किया गया है। राज्यपाल डॉ नजमा हेपतुल्ला ने कल राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। दो पूर्व विधायक पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने हाल में विधानसभा और पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। एक रिपोर्ट। इस समय 7 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में 13 सीटें खाली हैं और संभावना है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले उपचुनावों में इन सीटों को भरा जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने को चुनाव प्रचार की तैयारियों की तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पिछले सोमवार को मणिपुर बीजेपी प्रमुख प्रोफेसर एस टिकेंद्र के साथ नई दिल्ली में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राम माधव से मुलाकात की। बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय उप अध्यक्ष और केंद्रीय पर्यवेक्षक विजयंत पांडा के साथ इम्फाल लौट आए और अपने 12 सदस्यों वाले कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल कर लिए। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से मैं जे थकसोम। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।